यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में मिला एक M4A1 और ऊपर से बंदा उतर रहा है। और भाई साहब भाई यार एक बंदे को, अरे यार क्या ही, वो उतर रहा था मार दिया, एक और हेडशॉट के साथ गया। और भाई साहब एक और हेडशॉट के साथ गया। जी और आप लोग देख रहे हो टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत प्रो टिप्स के बारे में कि प्रो कैसे बने, उन सभी टिप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को हर बार लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि भाई प्रो प्लेयर कैसे बने, ये टिप्स दे दे। तो उन सभी के लिए वीडियो जो मैंने अभी आपको 3-4 टिप्स दिए उसको, ये मेन टिप्स है, मैं फालतू के टिप्स देना नहीं चाहता, जो ये मेन टिप्स है मैंने आपको बता दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लाइफ मूवमेंट गेमिंग। गाइस आप लोगों ने देख लिया कि हमारे अज्जू भाई कितने ओपी ओपी हेड्स लगा रहे थे, तो आप लोग को मैं अभी अज्जू भाई की सेटिंग्स बताऊंगा। आप भी सेटिंग्स को जानकर आप भी ओपी ओपी हेड्स लगाने लगेंगे। अज्जू भाई देख लीजिए, किसी ना किसी बंदे में एक हेड तो ज़रूर लगा देते हैं, एक हेड से ज़्यादा ही हेड्स अज्जू भाई हमारे लगा देते हैं। तो उनकी सेटिंग्स और उस वो किस में खेलते हैं तो अभी आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी सेटिंग्स से बात करते हैं, तो उनकी सेटिंग्स और जो बंदे पुराने होते हैं तो लोग जानते ही कि हैं कि कैसे कैसे हेड्स लगाए जा सकते हैं और उनकी गन स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी सभी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखिए। ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अज्जू भाई की सेटिंग्स, तो अज्जू भाई की सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अज्जू भाई की सेटिंग कुछ इस प्रकार के, तो किसी भी बंदे की सेटिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बंदा जितना पुराना होता है वो खेलने जाता है, वो ड्रैग करके हेडशॉट्स लगाने जानता है। तो अज्जू भाई भी हमारे बहुत ही ओपी प्लेयर हैं, पुराने बहुत ही पुराने कम्युनिटी के, फ्री फायर कम्युनिटी के बहुत ही पुराने प्लेयर हैं, तो वो आसानी से हेडशॉट मार सकते हैं। तो बात करते हैं आखिर वो हेडशॉट्स लगा कैसे लेते हैं, तो वो बहुत पुराने प्लेयर हैं और उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि किस प्रकार गन को चलाएं कि हेडशॉट्स लगें। तो इस मेन बात होता है डिवाइस, तो अज्जू भाई हमारे आप लोग जानते हैं कि पीसी में खेलते हैं तो डिवाइस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डिवाइस तो पीसी में खेलने से बहुत आसानी होती है, जल्दी से बंदों को ड्रैग शॉट से के हेड्स मार सकते हैं, तो मेन बात होती है डिवाइस। फिर सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है जो गन्स स्किन, तो आप लोग देख सकते हैं गन्स स्किन की बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है कि बंदे को, अगर आपके पास गन स्किन वाली गन कोई है और उस बंदे के पास गन स्किन नहीं है तो आप उस बंदे को आसानी से मार सकते हो। तो सेकेंड बात होती है कि गन स्किन और सेटिंग, और किसी भी सेटिंग के किसी बंदे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बंदे जितना पुराना होता है उतना अच्छा खेलता है, कोई भी प्रो या नूब नहीं होता। कभी कभी हम लोग ही बहुत अच्छा खेल देते हैं और कभी कभी बहुत ही ख़राब खेल देते हैं, तो सेंसिटिविटी और सेटिंग से कुछ नहीं होता। तो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट हेडशॉट कैसे मार सकते हैं, अज्जू भाई हमारे कैसे मारते हैं। तो आप लोग ये जान ही लिए हैं तो सेटिंग्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि आप अगर पूरा नए बंदे हैं तो आप लोग किस प्रकार से हेडशॉट मार सकते हैं। तो आप लोग को सिंपली सेटिंग में सब जो सेंसिटिविटी की सेटिंग होती है सबसे कर लेना, क्योंकि अगर आपका डिवाइस पुराना है, अगर कम रैम वाला है तो आप लोग को 100-100 करना है, इससे स्क्रीन जल्दी से मूव हो जाती है। और जो आईफोन में, जो बंदे आईफोन में खेलते हैं तो वो लोग जानते हैं कि उनके अगर थोड़ा सा भी ड्रैग करते हैं तो हो जाता है, और जो हमारे आम बंदे हैं जो 4 GB रैम वाले फ़ोन में करते हैं तो थोड़ा लेट रैम होता है। तो कुछ बंदे बहुत अच्छा खेलने लगते हैं और कुछ बंदे अच्छा नहीं खेलते, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो जो बंदा ज़्यादा खेलता है वो ज़्यादा खेलने लगता है। तो आप लोग जान ही सकते हैं हमारे रेस्टार जो कि आईफोन में खेलते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं फ़ोन में खेल के इतने ओपी ओपी हेड्स लगाते हैं, तो इसमें कोई सेटिंग वेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बंदा जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा खेल लेगा। और कुछ बंदे ज़्यादा टॉप अप करते हैं तब भी नहीं खेल पाते, और कुछ नहीं टॉप अप करते हैं तब भी तो अच्छा खेल लेते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि अज्जू भाई की सेंसिटिविटी क्या है, तो
मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो आप भी OPOP हेड्स लगा सकते हैं, और आपका कुछ बंदों के यहाँ या नेटवर्क का बहुत दिक्कत होती है तो नेटवर्क से हम लोग OPOP हेड्स नहीं लगा सकते। तो अज्जू भाई और सभी यूट्यूबर्स के पास अच्छा अच्छा वाईफाई का इंटरनेट होता है, तो कभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे वो अपनी गेम को बहुत आसानी से अच्छे से खेल सकते हैं। आप लोग जब अज्जू भाई लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उतना OPOP हेड्स नहीं मारते जितना कि वो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं उसमें। तो अज्जू भाई भी कभी कभी अच्छा खेलते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं खेलते, पर हमारे अज्जू भाई बहुत ही OP है गेम प्ले करते हैं। तो मुझे उन अज्जू भाई की गेम प्ले से ज़्यादा उनकी जो कम्युनिटी करते हैं उनमें जो बोलते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनकी वीडियो से ज़्यादा उनकी कम्युनिटी आवाज़ सुनने के लिए जाता हूँ। मैं जब एक बार भी उनकी वीडियो में चल जाता तो पूरी वीडियो उनकी इतनी अच्छी कम्युनिटी करते हैं कि मैं पूरी वीडियो देख कर आता हूँ। तो हमारे अज्जू भाई को मैं अभी भी फैन लोग को मैंने बता दिया क्या क्या सेटिंग्स में करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, तो आप लोग ने जान लिया है कोई बंदा प्रो अनुभव नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, जिसको हमारा ये वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।